नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो क्या इस बार एक बार फिर उन्हें आना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना ही चाहिए, बदलाव होना तिवारी बनाम कन्हैया कुमार कौन आना चाहिए? कन्हैया कुमार आएगा, कन्हैया कुमार ही आएगा। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। पेट्रोल देख लो ना, पेट्रोल कितना है? नहीं, दवाई फ्री, डिस्पेंसर फ्री, बच्चों पढ़ाई फ्री, सब कुछ फ्री। बात ऐसी है, मनोज तिवारी हो मोदी को वोट है। रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मौजपुर में। यहाँ से गठबंधन ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं से पिछले 10 सालों से बीजेपी से यहाँ मनोज तिवारी सांसद हैं। मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार, क्या है यहाँ का मिजाज, जानने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ। लोकसभा का चुनाव है और 10 साल से मोदी जी पीएम है, तो क्या लगता है, बदलाव या एक बार फिर से मोदी? तो बनेगा मोदी, बदलाव तो देखो सबको ही है। बदलाव तो दिल्ली में, तो देखो दिल्ली में तो केजरीवाल के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। नहीं, सेंटर में कौन आना चाहिए? केंद्र में किसकी सरकार होगी? केजरीवाल। केंद्र में तो देखो केजरीवाल तो है ही। लोकसभा के राहुल या मोदी कौन बनेगा पीएम? वो तो देखो, वो तो जनता के ऊपर वो कहता है। आप जनता हो ना, आपका क्या मत है? हमारा तो राहुल का है। राहुल का, राहुल को तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कुछ जानते ही नहीं, समझदारी नहीं इनको। वो तो नेता दो आपस, नेता तो आपस में लड़ते रहते हैं। नेता तो आपस में एक दूसरे को बुरा बोलते ही है, वो बुरा है, वो बुरा है। तो मेन चीज है देखो, जो दिल्ली, जो इंडिया का विकास जो होगा, वो जो बढ़िया करेगा वही उसी तरफ जनता है। अच्छा, मोदी जी 2014 में जब आए थे, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, सालाना 2 करोड़ नौकरियां देंगे युवाओं को, अच्छे दिन ले आएंगे, रोजगार देंगे, काला धन ले आएंगे। क्या लगता है, कुछ कामयाबी मिली उन्हें? नहीं, कुछ कोई कामयाबी नहीं मिली। मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार केजरीवाल और राहुल का संयुक्त प्रत्याशी है। मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार कौन आना चाहिए? कन्हैया कुमार आएगा। कन्हैया कुमार ही आएगा, कन्हैया कुमार आएगा। लेकिन लोग कहते हैं वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग का वो है, सदस्य है, इस तरह की चीजें आरोप लगता है कन्हैया पर। कहने वाला अलग होता है। कहने, हाँ देखो, कहने वाले अलग है, कहने के 100 बात, 100 मुंह है तो 100 बात है। तो मतलब तो यही है जो उसमें होना चाहिए, दो टुकड़े हो जाए, फिर जो अच्छा करेगा देखो वही, उसी को जनता सुनेगी। देश का राजा वही होगा जो अच्छा करेगा। और देखो, हर पूरी दिल्ली के मुंह से किसी से भी सुन लो कि अगर केजरीवाल वो हो प्रधानमंत्री, केजरीवाल उसे लड़ना चाहिए। 10 सालों में देश का कुछ विकास हुआ? विकास बहुत बढ़िया होगी। विकास तुम ने बहुत अच्छा कर रखा है, केजरीवाल ने बहुत अच्छा कर रखा है। सरकार सकल देखो, हॉस्पिटल देखो, लाइट नहीं है। ये पुल केजरीवाल ने बनवाए कि इनके बाप ने बनवाए? इसके बाप ने बनवाए केजरीवाल। लाइट फ्री, डीजल लीजिए भाई कर दी। हाँ जी, लाइट के बिल 4000 रूपए मेरा मिला है, क्या फ्री कौन से बिल है? मैं अपना मकान है, मैं किसी भी भेजने वाली कांग्रेस से। आप मोदी जी के खास आदमी लग रहे हैं। खास आदमी हूँ मैं। आप भक्त लग रहे हैं। हाँ जी, मैं मुझे मैं किसी आम का पैसा नहीं खाया, ना कांग्रेस दिया, ना किसी बहन के गया, अपना पैसों खाया, अपनी जिंदगी जिया। अपने जो वादे किए थे वो पूरे हुए? हमने ओके किए। कहाँ ओके किए? 2 करोड़ लोग, ये कांग्रेस के राज में पुल, कांग्रेस राज में पुल बने थे। अरे इतने सारे पुल दिल्ली में कांग्रेस के राज में ही बने ना? ये कांग्रेस राज बने, बीजेपी ने बनवाए, बीजेपी ने बनवाए, ये बीजेपी ने बनवाए। आप अभी मैं सच बोल रहा हूँ, शीला दीक्षित ने बनवाए, उसने बनाए थे, फ्लावर है उसने बनाए। शीला दीक्षित मरी ना, कांडा पास नहीं होता उनका, कांडा पास नहीं होता उनका। हमारे केजरीवाल ने इतनी सुविधा कर दी, किसी बच्चे को दवाई की जरूरत नहीं, बीमार पड़ जाए पैसे नहीं लगेगा, किसी बच्चे को स्कूल की जरूरत नहीं, स्कूल में पढ़ाई फ्री हो गई, सुनो। और दूसरा, हॉस्पिटल में खाना मतलब पानी, और केजरीवाल ने खाना वो बेच दिया जो होटल में नहीं मिलता, रईस खाना, रईस वो खाना। केजरीवाल में आप ये बताइए, इस बार एक बार फिर से मोदी या बदलाव? आएगा बदलाव, बदलाव नहीं। लेकिन क्यों बदलाव? बदलाव नहीं है, ये जनता चाहती है बदलाव। जनता क्या क्यों चाहती है बदलाव? महंगाई, महंगाई, महंगाई देखो कहाँ से कहाँ पहुँच रही है महंगाई। लोकसभा चुनाव में क्या धर्म आधार होगा या महंगाई और रोजगार होगा? 5 किलो वो तो 500 रूपए मिलता था, वो तो 5 किलो तो 150 मिलता है। आज की दाढ़ी कितने मजदूर की? 700। हाँ, दिहाड़ी देख लो, 700 रूपए, 700 रूपए कम नहीं है वो, 500-700 रूपए पता नहीं चलते दिन भर में। घर में महंगाई बढ़ गई, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। पेट्रोल देख लो ना, पेट्रोल कितना है? नहीं,
पेट्रोल देश का विकास भी तो मोदी जी कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। देश का विकास का बस सड़क बनवा रहे हैं मोदी जी। सड़कों से देखो, सड़कों से क्या हो जाएगा? आवश्यकता आविष्कार की जरूरत नहीं है। जैसे हिंदुस्तान को आवश्यकता होने जिसकी, अब विकसित भारत हो गया। आज कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तो क्या इस बार एक बार फिर उन्हें आना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना ही चाहिए। इलेक्शन जीतते ही वो 1500-2000 सिलेंडर कर देंगे। एक बार फिर से मोदी जी आपकी बदलाव। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा है। अस्पताल देखो, स्कूल देखो, आप जान रहे हैं अरविंद केजरीवाल जेल में है। कोई तो जेल में, पब्लिक तो बाहर है, उसके वोटर तो बाहर है, पब्लिक बाहर है। तो क्या पब्लिक बाहर है तो क्या केजरीवाल को समर्थन करेगी? केजरीवाल को भाई उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा जिस वजह से जेल में है। केजरीवाल बढ़िया आदमी है, मोदी ने क्या किया है? क्या क्यों बढ़िया, क्यों बढ़िया? हमें तो अच्छा लगा केजरीवाल। क्यों अच्छा लगा? दवाई फ्री, डिस्पेंसरी फ्री, बच्चों पढ़ाई फ्री, सब कुछ फ्री। केजरीवाल ने घर से दिया क्या पैसा? पब्लिक के पैसे, पब्लिक ने अपने घर से दिया क्या पैसे? पब्लिक के पैसे। क्या कह रही आप? केजरीवाल को जेल में क्यों पहुंचा दिया लोगों ने? जेल में पहुंचा दिया, कुछ ऐसा काम किया होगा? अच्छा है वो तो वैसे तो। अच्छा आप मुझे ये बताएं, 10 साल से मनोज तिवारी यहाँ के सांसद हैं, ठीक है, फिर से चुनाव है। देखो जी, बात ऐसी है, मनोज तिवारी हो मोदी को वोट है, पहली बात। यानी वोट आप मोदी के? मैं तो पिछले कल बोला मनोज तिवारी मोदी के पार्टी ये बैठे हैं सांसद जी। मनोज तिवारी तो मोदी की पार्टी, हमारे पास तो ये बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, कोई नहीं देखता, हम भूखे पेट बैठे हैं। किसी जी राशन तो दे रहे हैं आपको? हाँ, फ्री राशन है, गरीबों को देखा है, कोरोना की बीमारी के अंदर किसने देखा है? मोदी ने। देश कौन बचा रहा है? मोदी। क्यों, इससे पहले देश नहीं बचा था? ये सबसे एक सेकंड, कांग्रेस थी कितने में थी, किसने बचाया? कांग्रेस थी तो क्या हुआ? कांग्रेस थी देश नहीं चल रहा था, देश बिक गया। क्या बिका देश का, क्या बिका कांग्रेस की? हमारे संदीप दीक्षित हैं, मतलब शीला के बेटे अध्यक्ष हैं,